हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीएस क्रिएटिविटी स्टार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये वाली पोशाक बना रहे हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है और बनाने में भी बहुत ही इजी है। सो फ्रेंड्स, ड्रेस को बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाए और आप वीडियो को जल्दी से देख पाएँ। तो आइए देखते हैं ड्रेस को कैसे बनाएंगे। इस ड्रेस को बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने दो कलर में ऊन ली हुई, व्हाइट और येलो ली हुई है। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और इसके अलावा मैंने ये 11 नंबर का क्रोशिया हुक लिया हुआ है, आप 12 नंबर का भी क्रोशिया हुक यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये देखिए, हमने यहाँ पे चोली बनाकर रेडी कर लिया। हम 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो हमने ये चोली बनाकर रेडी कर ली है। चोली बनाना मैंने और भी वीडियोस में बताया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं कि हम चोली कैसे बनाएंगे 5 नंबर के लिए। और उन वीडियोस में मैंने ये भी बताया हुआ है कि जिस भी साइज़ के आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनके लिए कैसे उनके साइज़ की चोली बना सकते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि हम चोली कैसे बनाएंगे। अब इसके बाद में देखिए, हम यहाँ से घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेर हमें पूरा घेर नहीं बनाना है, हमें घेर केवल हाफ ही बनाना है। तो यहाँ से 1 और 2 चैन बनाएंगे। और ये देखिए, घेर में हमने ऊपर का कलर तो जो हमने चोली बनाई हुई वाइट येलो से बनाई हुई, और नीचे हमने जो चोली का एक रो है, लास्ट रो चोली वाला, वो हमने वाइट कलर से कर दिया है। अब यहाँ से हमारा घेर बनना स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सेम चैन स्टिच में एक बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। घेर भी बनाना मैंने वीडियोस में बताया हुआ, तो आप अगर चोली के लिए चेक करेंगे वीडियोस को तो आपको घेर की भी वीडियो उसी में मिल जाएगी। घेर भी आपको, आप लोग घेर भी देख लेंगे कि हमने घेर कैसे बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहली चैन में 2 बार बना रहे हैं डबल क्रोशिया, उसके बाद एक चैन में 1 बार बनाएंगे और फिर अगली वाली चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। घेर हम जिस तरह से बनाते हैं, अभी फर्स्ट रो है हमारा घेर का, तो हम एक चैन में 2 बार बनाएंगे और दूसरी चैन में 1 बार बनाएंगे। जब हम सेकेंड रो बनाएंगे और फर्स्ट रो बनाने के बाद में हम इसे स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइंट कर लेंगे, या फिर आप सेकेंड रो में भी इसे ज्वाइंट कर सकते हैं। मैं इतना करके पहले आपको बताती हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे फर्स्ट रो घेर का बनाकर कंप्लीट कर लिया है। हमने एक चैन में 2 बार और दूसरी चैन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। अब इसके बाद में देखिए, मैंने बताया था कि हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट हम कैसे करेंगे, ये जो हमारा हमने यहाँ पे फर्स्ट वाली चैन बुनी हुई है, यहाँ पे दो हमने चैन बुनी हुई थी, उन्हीं दो चैन से हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे 1 और 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में अब हम घेर का सेकंड रो बनाएंगे, तो सेकंड रो भी हमें इसी तरह से बनाना है। एक चैन में 2 बार बनाएंगे और दूसरी चैन में हम 1 बार बनाएंगे, तीसरी चैन में हम फिर से 2 बार बनाएंगे। और जब हम इसका थर्ड रो बनाएंगे तो थर्ड रो में हम एक चैन में 1 बार और उसके बाद 2 चैन में हम 1-1 बार बनाएंगे, 2 चैन में 1-1 बार बनाएंगे। और उसके बाद में जब हम फोर्थ रो बनाएंगे तो फोर्थ चैन में भी हम उसी तरह से बनाएंगे, 1 चैन में 2 बार और 2 चैन में 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से अपना घेर, हाफ घेर बनाना है हमें, तो यहाँ पर हम टोटल 4 रो ही बनाएंगे, 1 और इसके बाद हम 3 रो और बनाएंगे घेर के लिए। तो हम इतना कर लेते हैं। सो ये देखिए गाइज, हमने यहाँ पे घेर के 4 रो बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, एक जो हमने चोली में ही लगाया हुआ था कलर व्हाइट, 1 रो उसका हो गया, उसके बाद में 1, 2, 3, 4 रो हमने घेर के बना लिए। अब इसके बाद में ये देखिए, नीचे से हम काउंट करेंगे 1, 2, जो दूसरा वाला रो है हमारा, दूसरे वाले रो के ऊपर बीच में से जहाँ से हमारा क्रोशिया हुक तीसरा वाला जो रो हमारा स्टार्ट हुआ वहाँ पे, और दूसरे वाले रो के बीच में जो ऊन है यहाँ से हम वाइट वाला ऊन ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे ऊन को ज्वाइंट कर लिया। अब ऊन ज्वाइंट करने के बाद में यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद इस चैन को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और बड़ा करने के बाद में अब ये देखिए, यहाँ से हमने इस तरह से बनाया है, चैन बड़ा किया, उसके बाद में फिर से यहाँ से इस तरह से बड़ा किया, और ये वाला जो धागा है हमने इसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। फिर से मैं बताती हूँ,
एक चैन हमने बनाई और एक चैन उसी चैन को हमने बड़ा किया। बड़ा करने के बाद इस धागे को हम यहाँ से पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद में इधर से ये देखिए इस तरह से बनाया हमने। और अब इसी वाली चैन के अंदर से हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद में फिर से एक चैन बनाया और इस चैन को हमने बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में फिर से हमने इसे पकड़ लिया इस तरह से, और पकड़ने के बाद फिर से हमने उसी तरह से बनाया। और बनाने के बाद में अब फिर से हमने यहाँ के इसी के अंदर से सिंगल क्रोशिया बना लिया, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे एक चैन नहीं बनानी है, और जिस चैन से हमने इसे ज्वाइंट किया था, ये देखिए ये वाला चैन, जिस चैन से हमने ज्वाइंट किया था उसके बाद में 1, 2, 3, 4 नंबर वाली जो चैन है जहाँ से हमने ज्वाइंट किया था, ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम एक चैन बनाएंगे और एक चैन को हम बड़ा करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद में अब हम फिर से इसी तरह से ये बनाया इस तरह से, और उसी चैन के अंदर से एक सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर एक चैन बनाया। अब इस चैन को फिर से बड़ा किया, फिर से इस तरह से पकड़ लिया और यहाँ से हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बना लिया। हमें बीच में एक चैन बनानी है और ऊपर चैन नहीं बनानी है, सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद में हमने फिर यहाँ पे ज्वाइंट किया हुआ था सिंगल क्रोशिया से, इसके बाद में हम फिर से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 नंबर वाली जो चैन स्टिच है हम वहाँ जाएंगे फिर से इस तरह से बीच में, और फिर से हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिया और एक चैन बनाया। फिर से हमने चैन को बड़ा किया और इस तरह से पकड़ लिया यहाँ पे। अब हम फिर से ये देखिए इस तरह से अब यहाँ पे एक चैन बनाया और इस चैन को हमने बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में फिर से हम इस धागे को पकड़ लेंगे और यहाँ से फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें फिर से क्या करना है, 1, 2, 3, 4 नंबर वाली चैन स्टिच में गए और यहाँ से इस तरह से हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बना लिया और ये हमारा जॉइंट हो गया। ये देखिए इस तरह से ये बन गया। तो हमें इसी तरह से पूरे घेर में यहाँ तक बनाकर लाना है। एक चैन को बड़ा करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से इसे बना लेंगे और एक चैन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर फिर से उसी तरह से बनाएंगे। तो बना लेते हैं इतना। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पे लास्ट वाली चैन तक बना लिया, इसके बाद हमारी एक चैन बच रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक चैन बना ली, इसे ज्वाइंट करने के बाद में इसे बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद में इस तरह से बनाया और ये हमने क्या करना है, जो ये वाली चैन स्टिच है पहले नंबर वाली, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच लेकर के ज्वाइंट कर देंगे। तो ये हमने ज्वाइंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पे एक चैन बनानी है और इस चैन को बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद में फिर से हमने उसी तरह से बनाना है, ये बनाया। अब इसके बाद में एक चैन बनाया, एक चैन को बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में ये हो गया, ये फिर से बन गया। अब ये देखिए जो हमने बनाया हुआ था पहली पहले नंबर पे जो बनाया हुआ था, ये देखिए ये वाला है। और ये जो हमने चैन बनाई हुई थी बीच में एक, यहाँ से हम इस तरह से बना करके इसे ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है जब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद में एक चैन बनाया, एक चैन बनाकर इस चैन को बड़ा किया। फिर से हमने उसी तरह से करना है, और अंदर गए, यहाँ से हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया और एक चैन बनाया। चैन बनाने के बाद में फिर से चैन को बड़ा किया और तो ये देखिए ये दो बन गए हमारे। अब ये दो बन गए, अब इसे हमें कहाँ पे ज्वाइंट करना है, ये देखिए ये जो हमने बनाया हुआ, ये देखिए यहाँ से हमने ज्वाइंट किया हुआ था यहाँ पे, हमें नहीं, जो हमने यहाँ पे बीच में एक चैन बनाई हुई थी यहाँ पे ज्वाइंट करना है। इसके बाद में फिर से हम दो इसी तरह से बनाएंगे यहाँ पे आकर ऊपर, और बना करके उसे इस जगह पे ज्वाइंट करेंगे। मैं आपको करके दिखाती हूँ,
ये हमने बनाया। और यहाँ पे जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ था, यहाँ से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करके एक चैन बनाया, इस चैन को बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में हम फिर से उसी तरह से बनाएंगे, ये बनाया, और फिर इस चैन को बड़ा, एक यहाँ पे चैन बनाएंगे। चैन बनाने के बाद चैन को हम बड़ा करेंगे और इस तरह से फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। और अब फिर से इसे हम कहाँ ज्वाइन करेंगे, ये देखिए दो बन गए हमारे ये धागे जैसे, और इसे हमें फिर से यहीं पे ज्वाइन करना है, इस जगह पे। ये देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन करेंगे, ना कि स्लिप स्टिच की हेल्प ज्वाइन करेंगे, हम इसे सिंगल क्रोशिया। फिर से एक चैन बनाया, चैन को बड़ा किया, फिर से हमें वही प्रोसेस करना है, हमें ज्वाइंट यहाँ पे करना है, ना कि यहाँ पे करना है, यहाँ पे ज्वाइंट करना है। ऊपर साइड में हम यहाँ से सेकेंड रो बनाएंगे अब इसका, तो यहाँ तक बना लेंगे लास्ट तक पूरा ही इसी तरह से। तो ये देखिए गाइज, हमने यहाँ पे इसे लास्ट तक बना लिया है। ये देखिए ये हमारा सेकेंड रो यहाँ से शुरू हुआ था, ये देखिए, और ये हमारा फर्स्ट रो था, और यहाँ पे जो एक बनाया हुआ था ये रहा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो हम इसे ज्वाइंट कैसे करेंगे, ये देखिए हम यहाँ पे एक बना, ये हमारी चैन एक बन गई, और इस चैन को हमने बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे, ये हमने बना लिया। और बनाने के बाद में अब हम इसे इस वाले पॉइंट पे, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये देखिए इस तरफ से यहाँ पे सेकेंड रो जो हमने बनाया था, और यहाँ पे जो हमने चैन बनाई हुई थी बीच में, हम इसे यहीं से ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया, ये देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इसका थर्ड रो बनाना है, तो थर्ड रो भी हमें इसी तरह से बनाना है। पहले हम एक चैन बनाएंगे, एक चैन बनाने के बाद में इसको बड़ा किया और इस तरह से फिर से बनाया, एक चैन बनाई और फिर इसे बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद में फिर से उसी तरह से बनाया। बीच वाले में हमें एक चैन बनानी है, ऊपर चैन नहीं बनानी है। अब इसके बाद में देखिए फिर से सेकंड रो में ये पॉइंट आ गया, यहाँ पे हम नहीं ज्वाइंट करेंगे, और जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे हमें इसे ज्वाइंट करना है। सिंगल क्रोशिया बना लिया, आप फिर से हम एक चैन बनाएंगे, चैन को बड़ा करेंगे, इसी तरह से अपना थर्ड रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे फोर्थ रो भी बना, सॉरी थर्ड रो बना लिया। अब हम इसके बाद में फोर्थ रो बनाएंगे। देखिए ये एक हमारा फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, और ये थर्ड रो हमने यहाँ पे बनाकर ज्वाइंट कर लिया। अब क्या करना है, हमें फोर्थ रो बनाना है। तो फोर्थ रो में हमें क्या करना है, देखिए पहले हम यहाँ ज्वाइंट करने के बाद में एक चैन बनाएंगे, इस चैन को बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद में फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे यहाँ पे। अभी हमने सिर्फ एक बार बनाया। अब एक बार बनाने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे एक चैन की जगह पे हमें तीन चैन बनानी है। तो हमने तीन चैन बनाई, फिर हम यहाँ पे नीचे आ गए तीसरी वाली चैन पे, सॉरी जो पहले नंबर वाली चैन है, यहाँ पे हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से हमें एक दो तीन चैन बनाई, फिर से हम उसी चैन पे आ गए जिस चैन में हमने इसे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन किया था, उसी चैन में हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बना लिया। हम फिर से एक दो तीन चैन बनाई हमने, और फिर से इसी चैन में आ गए, और यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखिए तीन, इस तरह से ये डिजाइन बन गया, एक दो तीन। अब इसके बाद में क्या करना है, हमें एक चैन बनानी है और इस चैन को बड़ा करना है, और इस तरह से फिर से बना लेना है। मतलब हमें वही करना है जहां पे हम एक चैन बनाते थे, वहां पे हमें इस तरह से फ्लावर जैसा बनाना है, और उसके बाद में फिर से एक इसी तरह से बना लेंगे गोल गोल जो हमने बनाया हुआ था बॉल जैसा। अब इसके बाद में क्या करना है, जो हमने थर्ड रो बनाया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने ज्वाइंट किया था इसे बना करके थर्ड रो में, वैसे ही हमें फोर्थ रो में भी यही करना है। यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया बना करके। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से बन गया ये। और अब हमें क्या करना है, फिर से एक चैन बनानी है, इस चैन को बड़ा करना है, बड़ा करके
चैन को बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में फिर से उसी तरह से हमने बनाया। और बनाने के बाद में अब हम यहाँ पे क्या करते थे, एक चैन बनाते थे। तो हमें चैन नहीं बनाना, फिर से हमें इसी तरह से फ्लावर बनाना है। एक दो तीन चैन हमने बनाई, और यहाँ पे जहाँ से हमने फर्स्ट चैन बनाई हुई थी यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन किया उसके बाद में फिर से एक दो तीन चैन बनाई, और फिर से इसी जगह पे आ गए जहाँ पे हमने ज्वाइन किया हुआ था। यहाँ से हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम फिर से वन टू थ्री चैन बनाएंगे, फिर से यहीं पे आ गए और यहीं से इसे हमने ज्वाइन कर लिया सिंगल क्रोशिया बना करके, ना कि स्लिप स्टिच की हेल्प से। इस तरह से बनाकर हमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में फिर से हमने यहाँ पे एक चैन बनाया, उस चैन को बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में फिर से हमने उसी तरह से बना लिया। ये देखिए, बनाने के बाद में अब हम फिर से जैसे हम थर्ड रो में ज्वाइन किया था यहाँ पे ना ज्वाइन करके, यहाँ पे हमने ज्वाइन किया जहाँ पे ये हमारा खुला है, यहाँ पे हम फिर से इसे इसी तरह से ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया बना करके। अब क्या करना है, फिर से उसी तरह से एक चैन बनाया, चैन को बड़ा किया और इस तरह से बनाया। फिर से एक दो तीन चैन बनाई और फर्स्ट वाली चैन में गए, यहाँ से हमने इसे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन किया। फिर से एक दो तीन चैन बनाई, फिर से यहीं गया सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन किया। फिर एक दो तीन चैन बनाई, फिर से यहीं पे चले आए और यहीं पे इसे हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन किया। एक चैन बनाया, चैन को बड़ा किया, फिर से उसी तरह से बनाया हमने। और बनाने के बाद में अब फिर से हम इसे यहीं पे आके ज्वाइन करेंगे। तो यहां से हमने बनाना शुरू किया था इस वाली चैन से, यहां से और इधर आ जाएंगे और यहीं पे हम इसे ज्वाइन कर लेंगे सिंगल क्रोशिया बना करके। सो ये हमने ज्वाइन कर लिया। तो इसी तरह से हमें ये पूरे ही रो में करना है। इतना जब कर लेंगे तो उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे हमने व्हाइट ऊन लगाया हुआ था वैसे ही हम येलो ऊन, ये जो हमने यहां से ज्वाइन किया था देखिए इस वाले रो से, और हमें येलो ऊन यहाँ पे ज्वाइन करना है। मैं आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। यहां से ये हमने ज्वाइन किया और यहाँ पे हमने एक चैन बनाया, इस चैन को बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में उसी तरह से जैसे हमने व्हाइट ऊन से बनाया था वैसे ही करना है। एक चैन बनाया, फिर इसे बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद में फिर से उसी तरह से बनाया। और यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार नंबर वाली जो चैन है यहाँ पे गए और फिर से इसे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर लिया। तो जैसे हमने ये वाला व्हाइट ऊन से बनाया हुआ था वैसे ही हम येलो ऊन से पूरे ही गेयर में बनाएंगे। यहाँ पे हमने वन टू थ्री रो ऐसे ही बनाए थे, और फोर्थ रो में इस तरह से बनाया हुआ था वैसे ही हम येलो ऊन में भी करेंगे। फोर्थ रो में इसी तरह से बनाएंगे, थर्ड तीन रो बनाने के बाद में, और उसके बाद में जब ये दो हमारे रो बन जाएंगे दो ऊन से, फिर हम यहाँ पे व्हाइट ऊन फिर से ज्वाइन करेंगे। और व्हाइट ऊन ज्वाइन करके फिर से हम इसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने ये बनाया हुआ है। ये देखिए, तो हमें यही प्रोसेस करना है, सब में यही बनाना है। बस हमें नीचे येलो ऊन से और सबसे लास्ट में व्हाइट ऊन से फिर से बनाना है इस वाली चैन में। हम तब यहाँ व्हाइट ऊन सीधे नॉर्मली ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे जैसे हम क्रोशिया बनाते हैं, ऐसे ही ज्वाइंट करने के बाद में और उसी तरह से बना लेंगे जैसे हमने ये व्हाइट ऊन से बनाया हुआ है। और इसे यहाँ तक पूरा बनाने के बाद में फिर हम यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद में व्हाइट ऊन कट कर लेंगे। तो इतना हम कर लेते हैं, पूरा घेर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में कैप बनाएंगे। तो पहले हम ड्रेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइज, हमने यहाँ पे घेर बनाकर रेडी कर लिया है। और घेर में ये देखिए गाइज, हमने तीन रो बताई हुई थी, तीन लेयर बताई हुई थी, लेकिन यहाँ पे मैंने दो ही बनाई है, एक व्हाइट और एक येलो। नीचे से जो मैंने यहाँ से लेयर बनाने के लिए बताया था उसे मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे घेर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। अगर हम उसे भी बना देते तो और ज़्यादा बड़ा हो जाता घेर, इसलिए मैंने इतना ही रखा है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप उसे भी बना सकते हैं, ड्रेस और भी अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, इतना बनाने के बाद में अब हम इसकी कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे चैन बना ली है। हमें किस तरह से मेजरमेंट लेना है गोपाल जी के सर पे, मान लीजिए गोपाल जी के सर की गोलाई है और हम उनके कान के पास से नापेंगे। बहुत ज़्यादा इस तरह से खींच के नहीं नापना है, हमें बहुत ही ढीले इसे ढीला रख के नापना है।
इस तरह से एक राउंड हम पूरा लगा देंगे। देखिए एक राउंड यहाँ तक पूरा आ गया और उसके बाद में एक राउंड आधा यहाँ तक, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं, आधे से बहुत ही थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे इतना। तो अगर इतना सर है तो आप इतनी चेन बुन के तैयार कर लें। ये 5 नंबर के लिए मैंने चेन बुन के तैयार की हुई। अब इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया से रो बना लेंगे सारी चेन में एक एक बार। तो ये देखिए गाइस, हमने एक रो बना लिया। अब हम इसके ऊपर फिर से एक रो बना लेंगे डबल क्रोशिया से येलो ही कलर से। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे दूसरा रो बना करके इसे कट कर लिया उनको। अब ये देखिए किस तरह से पगड़ी के शेप में फोल्ड करेंगे। पहले इसको इस तरफ से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे उतनी जगह छोड़ेंगे जितना कि आपके गोपाल जी के सर में फिट आ जाए इस तरह से। देखिए पगड़ी के शेप में आ गया। और अब क्या करना है हमें, इसको हम इधर सिल देंगे, सॉरी इस वाले पार्ट को इधर सिल देंगे और इसे हम इधर सिल देंगे। मतलब यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे और सिलकर यहाँ तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद में देखते हैं क्या करेंगे। तो ये देखिए मैं किस तरह से सिलाई करनी है। हम यहाँ से पहले जो धागे में नॉट होती है हम उसको अंदर करने के लिए पहले अंदर से एक बार इस तरह से टक कर लेंगे और उसके बाद में इस तरह से। ये देखिए हमने सिल लिया इसे और अब ये देखिए बंद हो गया। और अब हमें क्या करना है, यहाँ से जितना भी पार्ट खुला है यहाँ से पूरा इसे बंद कर लेना है सिलकर, उसी तरह से जैसे हमने पीछे बैक साइड पे सिला हुआ है वैसे ही इधर से सिलकर हम पूरा ये बंद कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे इसे सिल लिया सभी तरफ से। और अब हम इसमें लगाने के लिए कलकी बनाएंगे। तो कलकी बनाने के लिए देखिए क्या करना है, हमें पहले यहाँ पे एक नॉट बनानी है। ये हमने नॉट बना ली और अब हमें इस नॉट के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए पहले एक चैन बना लेंगे और अब इसी नॉट के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे टोटल 10 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए हम इस नॉट को पकड़ के इस तरह से खींचेंगे। तो ये गोल शेप में आ गया है, पूरा गोल नहीं आया, नीचे से गोल नहीं है, बाकी इधर ऊपर से गोल आ गया है। और अब हम इसे इसी तरह से बनाने के बाद में अब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 चैन बना लेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद में जिस यहाँ पे देखिए जिस चैन लास्ट वाली चैन स्टिच हमने यहाँ पे 3 चैन बनाई हुई इसकी, तो इसी चैन स्टिच में हम इसे सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन करेंगे। अब इसके बाद में 1, 2, 3 चैन बनाई, फिर से हम उसी चैन में गए जहाँ पे हमने पहले सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइन किया था। अब तो ये 2 बन गए। अब 1, 2, 3 फिर से बनाए और फिर से उसी चैन में गए यहाँ पे जहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ा था, उसी वहीं पर इसे भी ज्वाइन कर लिया। तो ये देखिए 3 डॉट बन गए जैसे हमने ड्रेस में बनाए हुए थे। अब इसके बाद में देखिए जिस हमने यहाँ पे बनाए थे चैन में उसके अगले वाली चैन को हम छोड़ देंगे और उसके अगले वाली चैन में जा करके हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद में 1, 2, 3 चैन बनाई और फिर से जिस हमने चैन में सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ था उसी चैन में गए और यहाँ से इसे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन कर दिया। फिर 1, 2, 3 फिर से इसी वाली चैन में गए और यहाँ से सिंगल क्रोशिया बना लिया। और अब इसके बाद वाली चैन को छोड़ दिया और इसके अगले वाली चैन में गए, सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर से इसी तरह से बना लेना हमें पूरा नीचे तक। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारे टोटल 3 फ्लावर बन पाए हैं पूरी कलकी में, 1, 2, 3। इसी तरह से हमने बड़ा कलकी भी बनाया हुआ है।
ये देखिए ये इसे बड़ा है, और इसमें मैंने क्या किया, जहाँ पे हमने नॉट बना करके सिंगल क्रोशिया बुना हुआ था, यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बुना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे 10 टाइम हमने बुना हुआ था, और यहाँ पे 11 टाइम हमने डबल क्रोशिया बुना हुआ है, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया 10 टाइम। तो इसी तरह से ये हमारा बड़ा कलकी बन गया और ये छोटा, और अब हम यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं। इन दोनों ही धागों को नॉट लगा लेंगे और कट कर लेंगे। सो ये देखिए गाइस, हमने ये कलकी में ये स्टोन चैन लगा लिए, और छोटे छोटे देखिए स्टोन मैंने लगा लिए हैं जो फ्लावर जैसे बनाए हुए थे हमने, और ये कैप में भी छोटे छोटे स्टोन लगा दिए हैं। पगड़ी में अब हम कलकी अटैच करेंगे, तो ये वाली यहाँ पे हम बड़ी वाली और छोटी वाली इधर अटैच कर लेंगे। इस तरह से इसे सिल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लग गई, और इसके बाद में यहीं से हम अंदर जाएंगे, और अंदर आकर इधर हम सुई निकाल देंगे, ये देखिए अंदर से ही, और अब यहाँ पे हम इसे भी टक कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे कलकी को अटैच कर लिया है, और ये देखिए हमने ड्रेस में भी ये जो हमने फ्लावर जैसे बनाए हुए थे उसमें भी मैंने स्टोन लगा दिए हैं येलो और वाइट वाले दोनों पे, और ये मैंने चोली में ये स्टोन चैन है यहाँ यहाँ से अटैच कर लिए है। 3 चैन को हमने लेयर से लगा लिया है, अब हम इसे गोपाल जी को पहनाते हैं। ये देखिए गाइस, हमने गोपाल जी को ड्रेस पहना दी है, और पहनाने के बाद गोपाल जी इसमें कितने ही सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ड्रेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ड्रेस कैसी लगी, और मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।